आप देख रहे हैं खाना एक्सप्रेस और मैं हूँ आपकी होस्टल सेफ अंजु श्रीवास्तव। दिवाली आने वाली है और दिवाली के शुभ अवसर पर आज मेरे साथ जुड़ी है बहुत ही प्यारी क्यूट सी सोमलता आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। बहुत अच्छा खाना बनाती है और आज ये बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करेंगी। मावा बर्फी को बनाने के लिए कितना आंटी लेना है? 200 ग्राम मावा, 100 ग्राम ये कसा हुआ नारियल और 100 ग्राम सिंगदाना और 200 ग्राम शक्कर। शक्कर आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अच्छा, सिंगदाना को सेक लेते हैं। तो मैं गैस ऑन कर देती हूँ, उससे पहले सिंगदाना भून लेते हैं। आजकल सिंगदाना सेक लेंगे। ये हो गया है और अब इसे ठंडा होने के लिए रखिए। कसा हुआ नारियल भी सेक लेंगे। सेकना है थोड़ा, मतलब इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। 5 मिनट तक तो धीमी आंच पे इसे 5 मिनट भून लेंगे। जब तक आंटी ये नारियल भून रही हैं, तब तक मैं इसके छिलके निकाल देती हूँ। ये सेक चुका है, थोड़ा ही सेकना पड़ता है, गर्म हो जाए बस। तो अब ठंडा होने के लिए, ठंडे होने के लिए। बस ये सेक चुका है, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आंटी ये तो लग रहा है एकदम झटपट बनने वाली मिठाई है। हाँ, बहुत जल्दी तैयारी हो तो जल्दी बन जाती है। आंटी इसी कढ़ाई को यूज करें? हाँ हाँ हाँ, इसमें 1 चम्मच घी डाल, 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दो। बस इसमें मावा डाल दो। अच्छा, मावा भून लेंगे। हाँ आंटी, फ्लेम को लो रखेंगे बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, जैसे ये गर्म हो रहा है मावा के अंदर से भी घी निकल रहा है। आंटी मुझे लग रहा है इसके अंदर बहुत घी होता ही है। नहीं डालो तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। नॉन स्टिक की कढ़ाई। देखिए 8 से 10 मिनट हो गया है और थोड़ा कलर भी चेंज हो रहा है। मार्केट का मावा है, अगर मुझे मावा घर पे बनाना हो। हाँ तो बना सकते हो ना। तो घर पे बना के तो और ज्यादा ही और स्वाद अच्छा आएगा। और स्वाद आएगा। अब थोड़ा सिक गया जी, बुझ गया, हो गया इसका। अच्छा तो अब क्या करें, गैस बंद कर देते हैं? गैस बंद करके अब ये ठंडा करना, इसको मैं निकाल रही हूँ ठंडा करने के लिए। देखिए सारी तैयारी हो गई है। इसको थोड़ा पीसना है, बस ऐसा रखना है। मतलब बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा दानेदार रखना है। इसमें ये मैं सिंगदाना मिला रही हूँ, नारियल पाउडर भी मैं इसी में मिला रही हूँ। अच्छा, मतलब सारी चीजों को एक साथ मिक्स कर, बस इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स से मिक्स करना पड़ेगा। हाँ, हाथ से करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाए। आंटी राजस्थान से हैं और ये राजस्थानी मिठाई बन रही है। दो तार की चाशनी बनेगी। आंटी सेम कढ़ाई यूज करेंगे? हाँ हाँ, सेम कढ़ाई। आंटी ये तो बहुत इजी मिठाई है ना, तो ज्यादा बर्तन गंदा हो रहा है और फटाफट बन भी जाएगा। पहले इसमें शक्कर डाल दो और पानी इसमें इतना डालो कि ये डूब जाए शक्कर, मतलब हाफ कप जैसा। हाँ हाँ, पानी डाल दो। अच्छा, इसको मिक्स करते रहेंगे। और कितना, 2 तार की चाशनी? हाँ, 2 तार की चाशनी। अच्छा, चाशनी बन रही है। उबाल आगे आएंगे वो कितनी देर में बन जाएगी? बस तुरंत बन जाएगी। 2 तार की तार से थोड़ी ज्यादा लेनी होती है। अच्छा, जिससे कि वो जम जाए। अच्छा, जब तक ये चाशनी बन रहा है प्लेट तैयार कर लेते हैं थोड़ा घी लगा के। करीब 5 मिनट हो गया है और चेक कर रहे हैं। अच्छा अभी नहीं हो गया है? नहीं अभी नहीं बना है। अच्छा, जब ये जम जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अभी इसे और पकाएंगे। अभी मैं चेक कर रही हूँ। अच्छा, ये बन गया है चाशनी इसकी। अच्छा, जो इसमें थोड़ी जम जाए। हाँ, फिर उसको उतार, इसे नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जिसे गैस बंद कर देंगे। और कब इसको मिक्स करेंगे? अब सारा तुरंत डाल देंगे। अच्छा, सारे मिक्सचर को इसमें चाशनी में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो आप इलायची पाउडर इसी समय ऐड कर दें। मतलब तो इसको फटाफट मिक्स करना है, ठंडा नहीं तो ठंडा होगा तो चाशनी जम जाएगी। जम जाएगी तो जब ये हल्का गर्म है उसी समय मिक्स कर दें। आंटी इसमें सिंगदाने के जगह काजू
या बादाम यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अच्छा, अगर घर में बच्चों को पसंद है तो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। थाली में जमा रही हूँ। अच्छा, जिस थाली में घी लगा कर रखा हाँ, उसमें अब जमा फास्ट करना है, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जमने लगे। इक्वल फैला देंगे ताकि बर्फी का शेप बहुत ही अच्छा लगे देखने में। हो चुकी, अब इसको मैंने थाली में जमा दिया है। अब जो पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही कटेगा, और इसके ऊपर बर्फ भी लगाएंगे और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। आंटी, इसे ठंडा हो कितने देर के बाद इसे? 4 घंटे तो लगेंगे। आंटी, 4 घंटे में कैसे बर्दाश्त करूंगी, मुझे देख कर ही लग रहा है मैं कब खा लूं। अब इसके मैं बर्फ चिपका रही हूँ, इसे दिखने में बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। जब गर्म रहे तभी चिपकाना है। हाँ। और अब इसे ठंडा करने रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये 3 से 4 घंटा ठंडा हो गया, अब इसको काटेंगे पीस में। अच्छा, जैसी मर्जी आप, जैसा पसंद हो, जैसा पसंद हो, चौकोर में या बर्फी टाइप में, काजू गतली के टाइप में। अच्छा, काट लेंगे, काट लेंगे आपको जैसा अच्छा लगे। ढीला करना पड़ेगा, साइड को थोड़ा पहले ढीला कर लेंगे। और ये मैं काट के उठा के रख रही हूँ। ये है ना बिल्कुल बाजार जैसी, मैं आपको खाकर बताती हूँ, बहुत ही टेस्टी मिठाई है। थैंक यू आंटी इतनी अच्छी रेसिपी बताने के लिए। अच्छा, मेरी तो दिवाली की मिठाई बन गई, और आप भी जाइए और इस रेसिपी को इस दिवाली पे ट्राई कीजिए।